चीन की नई चालबाजी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के नजदीक चीन की घुसपैठ का पर्दाफाश हुआ। चीनी घुसपैठ की ये कहानी अरुणाचल भूटान बॉर्डर से सामने आई है। दरअसल चीन ने भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास दो गांवों को पूरी तरह से बसा लिया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों को खड़ा दिखाया गया है। ये गांव उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर है जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। चीन इस गांव को पंगडा कहता है, जबकि ये पूरी तरह से भूटान की जमीन पर बसा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा के नजदीक गांवों को बसाना चीन की दूसरों की जमीन कब्जाने का पुराना तरीका है। चीन ने अमोचू नदी के किनारे भूटानी क्षेत्र में 10 किलोमीटर अंदर कम से कम 4 गांवों को बसाया है। अमेरिकी कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि दूसरे गांव का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब दक्षिण में तीसरे गांव में घरों का निर्माण किया जा रहा है। तीसरे गांव के नजदीक अमोचू नदी को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण भी किया गया। तस्वीरों में 6 इमारतों की नींव भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई दूसरे निर्माण के लिए भी काम तेजी से चल रहा है। चीन का अमोचू नदी के पास बढ़ता निर्माण भारत के लिए सामरिक नजरिए से बेहद ही खतरनाक है। असल में इस इलाके के जरिए चीनी सेना डोकलाम पठार के रणनीतिक रिज तक आसानी से पहुंच सकती है, जो चीनी सेना को भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए मददगार हो सकता है। ये कॉरिडोर देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली जमीन का हिस्सा है। द टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीनी गांव काफी दूरदराज के इलाके में बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां मौसम भी लोगों के रहने के मुताबिक नहीं है। ऐसे में चीन लोगों को लुभाने के लिए सड़कों, पानी, बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिखा रहा है। चीन ने इन गांवों में बढ़िया मकान और अस्पताल भी बनाए हैं। साथ ही यहां रह रहे लोग पैसा कमा सके इसके लिए भी इंतजाम करने का दावा किया गया है। यहां बने उत्पादों को चीन के बड़े शहरों में भेजा जाता है, लेकिन चीन की ये विस्तारवादी नीति का यूं आगे बढ़ना भारत के लिए खतरे की घंटी है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।